दोस्तों बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट है इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो आपका स्लिपिंग मोटर के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स है तो रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट आपका कट जाता है या कोई कोई जगह में रेजिस्टेंस बॉक्स वायर देके बना हुआ है तो वायर कट जाता है। ये किस लिए कटता है, किस कारण से कटता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का मेंटेनेंस किस तरह से करना है, कौन कौन सा गलती हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू होगा तो जवाब किस तरह से देना है और समझाना किस तरह से है। आज जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो कभी भी आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा ना आपके अंदर में कुछ डाउट रहेगा। सिर्फ रेजिस्टेंस बॉक्स को देख के ही आप बोल सकते हैं कि किस कारण से वायर या प्लेट कट गया है। तो इसमें एक नंबर में दोस्तों आ जाता है कि जब आप इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में मेंटेनेंस कीजिएगा तो कौन सा मेंटेनेंस करते हैं, टीपीएम, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को मेंटेनेंस जैसा कीजिएगा तभी रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ फॉल्ट नहीं आएगा। एक एक रेजिस्टेंस बॉक्स 5 साल, 6 साल, 10 साल तक चलता है लेकिन ना इसमें कोई प्लेट कटता है ना कोई वायर कटता है। अगर वायर या प्लेट कट रहा है तो मेंटेनेंस का ही फॉल्ट है कि आप सही से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह से मेंटेनेंस करना है ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक ये आपको मालूम नहीं होगा तब तक आपका इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू खराब होगा। इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जब आप मेंटेनेंस करने जाइएगा कब जाना है, जब आपका क्रेन शट डाउन में रहेगा। ज्यादातर 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख कोई कोई कंपनी में पूरा फुल आपका शट डाउन रहता है। अगर आपका शट डाउन नहीं है तो जब आप इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में मेंटेनेंस कीजिएगा पहले क्रेन को आपको बंद करना है। 56 HP का ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसका जो रोटर वोल्टेज है वो 320 है। इसको प्रैक्टिकल में अच्छा से आपको समझना है तभी आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अच्छा बनेगा। ये हो गया दोस्तों रेजिस्टेंस बॉक्स का टर्मिनल। इस रेजिस्टेंस बॉक्स पे भी डस्ट है। अभी ये जो 0 पॉइंट है ये रेजिस्टेंस बॉक्स का स्टार पॉइंट होता है, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का पीछे से निकाल के लेके आता है DE और F जो मोटो टर्मिनल से आता है केबल KLM, रेजिस्टेंस बॉक्स में आकर DEM में कनेक्शन होता है। अच्छा से आपको क्लीन समझना है। ये जो आपका DEF है मतलब R, Y और B, लाल कलर, पीला कलर और ब्लू कलर। अभी स्टेप का कॉन्टैक्टर का कनेक्शन किस तरह से करना है, मोटर का तो कनेक्शन हो गया, D1 जो है ये हो गया 1 नंबर और DE1 ये भी 1 नंबर का और F1 ये भी 1 नंबर का। तो कनेक्शन किस तरह से करना है, 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर जो है D1 में एक केबिल लगेगा, E1 में एगो लगेगा और F1 में एगो लगेगा, R, Y और B, मतलब सेम टू सेम आपको कनेक्शन करना है तभी क्लीन समझ में आएगा। अभी स्टेप 2 मतलब रेजिस्टेंस का जो 2 नंबर कॉन्टैक्टर है ये किस तरह से कनेक्शन होगा, ना D2 में R वाला केबिल लगेगा, E2 में एक केबिल लगेगा और F2 में एक केबिल लगेगा, तो RYB हो गया। हर जो रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्शन होगा यही सेम टू सेम करना है, मतलब जो नंबर रेजिस्टेंस बॉक्स में लिखा रहेगा D1 मतलब 1 नंबर रेजिस्टेंस हो जाएगा, D2 2 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर हो जाएगा, D3 3 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार अगर आप अच्छा से समझ लीजिएगा तो कभी भी आप भूलिएगा नहीं, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में लिखा हुआ है सेम टू सेम स्टेप कॉन्टैक्टर में कनेक्शन करना है। इसीलिए जब इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन आपको 2 घंटा के लिए मिलेगा तो आपको पहले एयर प्रेशर से पूरा क्लीन करना है रेजिस्टेंस बॉक्स को।
अगर पूरा अच्छा से क्लीन हो जाएगा तो आप देखिएगा ना प्लेट कटेगा ना वायर कटेगा। जब सफाई हो जाएगा अच्छा से, इसके बाद आपको चेक करना है। पहले कौन सा चेक करना है कि ये जितना सारा टर्मिनल है ये अच्छा से टाइट है या नहीं है, जो इसमें नट बोल्ट लगा हुआ है इसमें एक एक करके चेक नट भी रहता है, चेक नट को पकड़ पकड़ के देखना है कि अच्छा से टाइट है या नहीं है। इसके बाद दोस्तों तीन नंबर में आ जाता है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें आपका लंबा लंबा टाई रॉड लगा हुआ है फुल थ्रेड वाला। ये कोई कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में देखिएगा बॉडी के साथ टाइट किया हुआ है, किसी किसी में आपका तीन गो करके टाई रॉड रहता है, किसी किसी में आपका चार गो करके टाई रॉड रहता है, किसी में आपका दो गो टाई रॉड रहता है। एकदम जितना सारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स में प्लेट है आर पार करके दोनों तरफ आपका टाइट किया हुआ रहेगा। जब आपका रेजिस्टेंस बॉक्स नया आएगा तो नया में हम लोग क्या करते हैं, शुरू में ही अगर कोई कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में ये जो आपका टाई रॉड लगा हुआ है इसमें चेक नट कोई कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग ये साइड से खोल के इस जगह में और एक चेक नट लगा देते हैं। और अगर आप अच्छा कंपनी का रेजिस्टेंस बॉक्स मंगाइएगा तो चेक नट जरूर रहेगा। जब एयर प्रेशर से रेजिस्टेंस बॉक्स अच्छा से क्लीन हो गया, इसके बाद ये जो पहले वाला नट है इसको आपको अच्छा से टाइट करना है। किस तरह से टाइट करना है, अगर इधर आप दो गो थ्रेड टाइट किए तो इधर भी आपको दो गो थ्रेड टाइट करना है, इस तरह से एकदम बैलेंस में आपको टाइट करना है, क्योंकि आपका चेक करने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि एक महीना तक ये रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ भी ब्रेकडाउन नहीं आए। ज्यादातर क्या होता है, जब आपका रेजिस्टेंस बॉक्स नया रहता है उसी टाइम हम लोग एक बार ये चेक नट सारा टाइट कर देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू आपका चलता रहता है। जब आपका टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ना, ये चेक नट को हम लोग टाइट चेक करते हैं, किसी को भी चेक नहीं करते हैं। जब रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई प्लेट कट जाएगा तब ये सबको हम लोग चेक करते हैं कि लूज नहीं ना रह गया। अभी ये प्लेट किस तरह से कटता है वो भी आपको अच्छा से समझना है। क्या होगा कि ये जो आपका टाई रॉड है धीरे 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 आपका थोड़ा थोड़ा करके लूज होगा पहले, और इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन कंटिन्यू आपका चलता रहता है और हमेशा उसमें वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन के चलते ये जो चेकनट है हल्का ही लूज होता है, एकदम पूरा लूज होके नहीं ना खुल जाता है, क्योंकि इसमें चेकनट देकर टाइट किया हुआ रहता है। अभी थोड़ा थोड़ा करके जब लूज होगा तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का जो प्लेट है ये भी हल्का हल्का आपका लूज होगा। जब हल्का हल्का लूज होगा तो ये सब प्लेट क्या होगा, आपका जैसे ही लूज होगा तो गर्म होने लगेगा। तो गर्म किस तरह से होता है वो भी जानना है ना। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट है इसमें दो गो नट बोल्ट देकर टाइट किया हुआ रहता है, फिर यहाँ दो गो नट बोल्ट है, फिर यहाँ दो गो नट बोल्ट है, फिर यहाँ दो गो नट बोल्ट है, इस तरह से एकदम इस तरह से घूमते 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 रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट आता है। तो जितना सारा रेजिस्टेंस बॉक्स में नट बोल्ट लगा हुआ है, जब आपको क्रेन दो घंटा के लिए मिला है सारा नट बोल्ट को अच्छा से एक बार टाइट कर देना है। अगर आप अच्छा से टाइट कर दीजिएगा तो कोई भी प्लेट लूज के चलते गर्म नहीं होगा। और इलेक्ट्रिकल में क्या है कि कोई जगह में अगर लूज रहेगा तो ऑटोमेटिक गर्म होगा। अभी गर्म एक दिन हो रहा है, दो दिन हो रहा है, तीन दिन हो रहा है, या मान लीजिएगा 30 दिन गर्म हो रहा है, तो जब आपका कटेगा कोई एक प्लेट कटेगा किस तरह से कटेगा, इस जगह में अगर आपका 30 गो प्लेट है या 40 गो प्लेट है या आपका 50 गो प्लेट है तो इसमें से 50 प्लेट एक साथ में आपका नहीं कटेगा। जो प्लेट सबसे ज्यादा लूज रहेगा, जो सबसे ज्यादा प्लेट गर्म होगा वही प्लेट बीच में से कटेगा। दोनों तरफ ये जो मैं नट बोल्ट का बात बोला हूं, ये नट बोल्ट के तरफ से क्यों नहीं कटेगा कि इधर का प्लेट आपका चौड़ा मोटा है और इधर का भी प्लेट चौड़ा मोटा है, बीच में ही वो कटेगा, क्योंकि बीच में ही वो कमजोर है। मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जहां पे आपका कमजोर मिलेगा उसी प्लेट को पहले कटिंग होगा,
मतलब कट जाएगा, और जो वायर वाला रेजिस्टेंस है उस पे भी यही सेम टू सेम टाइटनेस करके रखना है। अगर टाइट करके नहीं रखिएगा तो इसमें गोल गोल वाशर दिया हुआ रहता है, और इसके अंदर में क्या रहता है, जो टायरॉइड है इसमें माइका ट्यूब रहता है। वो माइका ट्यूब क्या होगा, लूज के चलते धीरे धीरे घिसेगा, घिसते घिसते वो क्या होगा, कभी बॉडी हो जाएगा। जैसे ही बॉडी होगा मोटर तो आपका आवाज करेगा, लेकिन उसके साथ वायर भी कट जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में पैनल है, जो रेजिस्टेंस का कॉन्टेक्टर है, जैसे रेजिस्टेंस वन हो गया, रेजिस्टेंस टू हो गया, रेजिस्टेंस थ्री हो गया, तो जब आप इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जाके चेक करते हैं कि जितना सारा रेजिस्टेंस का कॉन्टेक्टर है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ज्यादातर देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस का जो कॉन्टेक्टर है किसी में थ्री स्टेप का है, किसी में फाइव स्टेप का है, किसी में फोर स्टेप का है, तो एक नंबर रेजिस्टेंस आपका काम कर रहा है लेकिन दो और तीन काम नहीं कर रहा है। तो जब तक आपका दो और तीन काम नहीं करेगा तब तक ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपका गर्म होगा, मतलब जो आपका लोड है ये रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर आ जाएगा। और हर रोज जब तक आप इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन को चेक अच्छा से नहीं कीजिएगा तब तक ये जो प्लेट कटने का बीमारी है वो आपका खत्म नहीं होगा। जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं शुरू में कि एक महीना तक एक वो क्रेन को अगर अच्छा से मेंटेनेंस कीजिएगा तो उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं आएगा, लेकिन मेंटेनेंस जैसा करना है, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में हवा नहीं मारेंगे तो चेकनट को चेक नहीं करेंगे, तो टाइट नहीं करेंगे तो ये जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में प्लेट लगा हुआ इसका नटबोल को टाइट चेक नहीं करेंगे, सिर्फ दूर से देख के चले आएंगे और केबिल को हिला कर ऐसे आ जाएंगे, तो उसमें एकदम 100% है कि रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट कटने का बीमारी जरूर आएगा, कभी भी आपका ये चीज बंद नहीं होगा। जितना अच्छा से रेजिस्टेंस बॉक्स को एकदम क्लीन साफ सुथरा रखिएगा उतना आपका कम ब्रेकडाउन आएगा और इसमें प्लेट कटने का बीमारी नहीं आएगा। अभी 7 नंबर पॉइंट में आ जाता है कि बहुत सा फ्रेंड ये पूछा है कि अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में एक और प्लेट कट गया है तो इसके जगह में हम क्या करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिएगा डब्ल्यू जी अगर 150 का प्लेट लिखा लगा हुआ है या पीजी 300 का प्लेट लगा हुआ है, जितना सारा रेजिस्टेंस बॉक्स में प्लेट है सब में आपका नंबर लिखा हुआ रहता है और वो नंबर को आपको पहले देखना है, या किसी में डब्ल्यू जी 22 का प्लेट है तो जितना का प्लेट है उतना का ही प्लेट आपको लगाना है। अगर आप मान लीजिएगा डब्ल्यू जी 22 का प्लेट लगा हुआ था इसके जगह में पीजी 300 का लगा दिए तो इसमें क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इस जगह में एक प्लेट आप लगा दिए ये सीरीज तो क्या होगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा, और जब अनबैलेंस होगा तो उस टाइम आपका जो स्लिप रिंग मोटर है इसमें जो रोटर है तो रोटर एक दिन में आपका शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट होने में 30 दिन भी लग सकता है, 60 दिन भी लग सकता है, 90 दिन भी लग सकता है, लेकिन रोटर शॉर्ट जरूर होगा। अभी 9 नंबर पॉइंट में आ जाता है कि जो आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका वैल्यू किस तरह से हम लोगों को चेक करना है, तो किस तरह से वैल्यू चेक करना है इसका दो गो चेकिंग होता है कि ये जो हमारा D1 है यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू आना चाहिए, फिर यहां से कितना आना चाहिए, यहां से लेके एकदम D तक, मतलब ये जो आपका लास्ट स्टार पॉइंट है स्टार पॉइंट से एक मल्टीमीटर का लीड, ये दोनों लीड में से कोई एक लीड आपको लगाना है इस जगह में। पहले आपको D तक देखना है कि कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मल्टीमीटर को आपको ओम्स में सेटिंग करना है, ठीक है। मल्टीमीटर में आपका दो गो लीड होता है, एक में V और ओम्स लिखा हुआ रहता है और एक में आपका कॉमन है, तो ये दोनों लीड में से कोई एक लीड आपको ये D वाला टर्मिनल में लगाना है और एक लास्ट में लगाना है, तो इसके लिए क्या होता है 0 पॉइंट दिया हुआ रहता है, ये दोनों पे भी आपको चेक करना है। जब आप चेक कीजिएगा ये जो फुल रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो बैलेंस में आना चाहिए। अभी
एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका बता रहा है 2.6 ओम्स या 3.6 ओम, तो जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा एकदम, अगर डी सीरीज का आप चेक कर रहे हैं किस तरह से मल्टीमीटर का एक लीड इसमें लगा दी जीरो वाला पॉइंट में, एक आप डी में लगाए, तो इसमें आपको देखना है कितना वैल्यू आ रहा है सेम टू सेम। ये जो ई है फिर मल्टीमीटर का एक लीड इसमें लगाना है फिर ई में लगाना है, इस पे भी देखना है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, हमेशा आपका बैलेंस में होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक में आप लगाया 0.2 डी तो इसमें बताया 3.6 ओम्स, ठीक है, तो दूसरा वाला में लगाया है डी प्लस ई, क्योंकि मल्टीमीटर में आपका दो लीड है इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत सा फ्रेंड का ये डाउट आ जाता है कि आप जिस तरह से बताए हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। हर बार मल्टीमीटर का लीड छोड़ छोड़ कर लगाना है, तो इस पे भी आपका 3.6 आना चाहिए। इसके बाद जब आप एफ वाला चेक कीजिएगा 0 और F, इस पे भी आपका 3.6 आना चाहिए। अगर कोई कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में मान लीजिए आपका 2.6 बता रहा है तो सब में 2.6 ओम्स वैल्यू बैलेंस में आना चाहिए, किसी में अगर 6.2 बता रहा है तो सब में आपका 6.2 का बैलेंस आना चाहिए। जब आप चेक कीजिएगा तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स में नट बोल्ट लगा हुआ है इसको CRC मार के थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा आपको उल्टा पलटा बैलेंस बताएगा, मतलब ये जो ओम्स वैल्यू है ये सही से नहीं बताएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं भी काम करता हूँ और वही सेम टू सेम मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों इलेक्ट्रिकल का काम सीखने में अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो हर फ्राइडे को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मेरा जितना सारा फ्रेंड है मैं सबके साथ फोन कॉल में बात करता हूँ, रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक यूट्यूब चैनल में लाइव रहता हूँ, जितना सारा फ्रेंड जो जो क्वेश्चन पूछता है सब क्वेश्चन का आंसर देता हूँ और जितना हो सके मैं हेल्प करता हूँ। फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सएप इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा, और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।